देखो अगर हाई स्पीडिंग करते हो ना, और काफी बार क्या होता है कि हाई स्पीड पे हो और अचानक कोई कर्व आ गया, अनजान रोड था, नहीं पता, आप उस स्पीड पे कर्व आ गया तो अब आपको नहीं पता गाड़ी को स्लो डाउन कैसे करना है। आपने महसूस किया कि यार ब्रेक दबा रहा हूँ तो गाड़ी तो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, फिर इसको आप बैलेंस कैसे करें, उसका मैं तरीका बताने के लिए इस कर्व पे आपको लेकर आया हूँ। चलिए अब बताते हैं। सबसे पहले वो बता देता हूँ कि क्या चीज नहीं करनी है आपको। एक तो खींच के ब्रेक नहीं मारना है। आपकी स्पीड मान लो 100 से ऊपर है, कर्व सामने आ गया, आपने देखा कर्व आ गई, गाड़ी मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही है, मोड़ रहा हूँ नहीं मोड़ रही है, आपने खींच के ब्रेक मार दिया, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। खींच के ब्रेक मारते ही गाड़ी तुरंत डिवाइडर में जाके ठुकेगी, ठीक है। एक तो खींच के स्टेयरिंग नहीं घुमाना है, उस कंडीशन में भी गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर चली जाएगी, मैं बताता हूँ। हालांकि स्पीड मेरी ज्यादा नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे अभी मुझे लग रहा है गाड़ी मेरे कंट्रोल से बाहर हुई है, हल्का सा ब्रेक लिया फिर छोड़ दिया, हल्का सा ब्रेक लिया फिर छोड़ दिया। अगर लगातार ब्रेक दबाओगे तो गाड़ी हाथ से जाएगी, और नहीं दबाओगे तो फिर गाड़ी जानी है ही कंट्रोल से बाहर। अभी एक और फ्लाई ओवर लेंगे, ये सामने सामने मेरे पास दो तीन है, तो ये मैं बताता हूँ। आई होप आपको मेरी ये बात अभी तक की समझ आई होगी, एक बार फिर से करके बता देता हूँ। मान लिया स्पीड, चलो कर्व के हिसाब से स्पीड कितनी थी, इस कर्व के ऊपर जो ये अभी आया इस पे 60 की स्पीड में गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि ज्यादा स्टीयरिंग रोटेशन मैंने अचानक दी है, मैंने इसे ओवर स्टीयर करने की कोशिश करी थी, ठीक है। चलो अब और बताते हैं। ये चीज सीखनी बहुत जरूरी है, और इस चीज से मैं आपको ये सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि गाड़ी को भगाना है फिर उसे कंट्रोल करना है, वो चीज नहीं सिखा रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा मौका आ जाता है कि गाड़ी कंट्रोल करनी पड़ती है हाई स्पीड के ऊपर, अचानक कर्व आ गया तो उसको कैसे हैंडल करना है, बस वो चीज सीख लो। सामने मेरा कर्व है, स्पीड में थोड़ी सी बढ़ाने की कोशिश करूंगा कंट्रोल के अंदर, ताकि मेरे भी कंट्रोल में गाड़ी रहे। रोड पे अपनी वैसे नजर रखा करो, इन सब चीजों को अवॉइड किया करो, बस मैं ये सिखा रहा हूँ कि सामना अगर करना पड़ गया तो कैसे हैंडल करना है। अभी 120 पे है, चलो थोड़ी कम करते हैं, ज़्यादा हो रही है। मान लो मैं एकदम एक्सटर्नल इसमें ले लूँ, इसमें लेफ्ट मोस्ट अपनी लेन में, तो आपको खींच के ब्रेक नहीं दबाना है, थोड़ा छोड़ा फिर ले लिया, थोड़ा छोड़ा फिर छोड़ा, ब्रेक छोड़ दिया फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया। अभी चलो ये फिर से करते हैं। अचानक दबाओगे तो गाड़ी का क्या होता है उस मोमेंट पे, जब आपकी गाड़ी ट्रैक्शन लूज करती है, गाड़ी के टायर्स थोड़े से बिल्कुल हवा में रहते हैं जब आप अचानक स्टीयरिंग घुमाते हैं, तो उस मोमेंट पे अगर आप खींच के ब्रेक दबाते हो और चूंकि टायर ऑलरेडी नहीं है ग्रिप के ऊपर, तो आपकी गाड़ी स्किड कर सकती है और हवा में मतलब गाड़ी के टायर ठुक सकते हैं डिवाइडर, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि गाड़ी उठी और डिवाइडर में लगी, ऐसे नहीं। लेकिन कभी ट्राई करना, ब्रेक मार के देख लेना, चलो आपके मन की पूरी हो जाएगी। एक कट और लेंगे, देखो जैसे अभी हो रहा था, तो मैं ब्रेक तीन बार छोड़ के लिए है, इंटीरियर बता दो अब कैसा लग रहा है गाड़ी का। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना, वुडन हटवा दिया मैंने, पियानो ब्लैक करवा दिया, अब आंखों में भी नहीं चुभ रहा है। इसका वीडियो देख लेना अगर देखना, तो ऊपर लिंक में डाल दूंगा। स्टीयरिंग को होल्ड करके रखना है, छोड़ना नहीं है, और घुमाते रहना है, ये नहीं करना है, समझ गए। अचानक बचाने के लिए उस सिचुएशन में गाड़ी घूमेगी। आपने काफी बार गाड़ियां देखी होंगी कि स्विफ्ट वगैरह के एक दो एक्सीडेंट वायरल हुए थे इंस्टाग्राम पे, कि अचानक टर्न कर रहे थे गाड़ी घूम गई, वो इसी वजह से घूमते हैं, अचानक स्टीयरिंग घुमाते हैं बचाने के चक्कर में, समझ गए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। अगर आपको कुछ रेपिटेटिव लगा हो तो भी ठीक है, ऑडियंस नहीं जुड़ रही है उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। एंड मेरे बाकी ड्राइविंग सीरीज देख लेना, मैंने खुद भी बनाई है 50-60 वीडियोस, किसी को सिखाते हुए भी मैंने वीडियोस बनाई है, वो भी देख लेना। एंड सबके प्लेलिस्ट का लिंक आपको आसपास आजू बाजू मिल जाएंगे, अभी एंड नोट्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू लेट मी नो आपको गाड़ी का इंटीरियर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।